दोस्तों, जब भी हम शिव जी की बात करते हैं तो हमारे मन में एक छवि उभर के आती है। कुछ लोगों के मन में वो छवि एक आध्यात्मिक इंसान की होती है जिसने दुनिया को बचाने के लिए हलाहल जैसे विष को पी लिया, और कुछ लोगों के मन में वो छवि महज एक विनाश तांडव करने वाले भगवान की होती है। और आजकल तो कुछ लोग शिव जाप बस नशा करने के लिए करते हैं। क्या शिव जी बस विनाश और नशा करने वाली चीजों के लिए जाने जाते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है कि एक सनातनी होने के बावजूद भी हमें अपने धर्म के इतने बड़े गुरु और भगवान के बारे में बस यही सब बातें पता हैं। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ, क्या शिव जी बस विनाश के ही भगवान हैं या फिर बचाव और समृद्धि के भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनीष अरोड़ा, आपका अपना दोस्त और साथी। शिव जी, जिनकी महानता का बखान करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, वो ना सिर्फ विनाश के देवता हैं, बल्कि जीवन के सच्चे संगीत के स्वामी भी हैं। उनकी दया, उनकी शक्ति और उनके प्रेम की कहानियां हमें अनंत काल से प्रेरित करती आई हैं। आज के इस वीडियो में हम शिव जी की अनेक गाथाओं में से कुछ अद्भुत गाथाओं को सुनेंगे, जो हमें जीवन के हर पड़ाव पर साहस और प्रेरणा देती है, और इस 21वीं सदी के कठिन जीवन में भी हमें ये बताती और सिखाती है कि सुकून और विकास कैसे पाए जाएं। तो आइए इस अनोखी यात्रा में हम सब साथ चलें और देखें कि कैसे शिव जी की महानता हमारे जीवन को और भी बेहतर बना सकती है। आदि योगी शिव, जिनकी गाथाएं हमें अनंत काल से कुछ न कुछ सिखाती आई हैं, उनकी एक अनूठी कहानी है जो हमें सेल्फ रियलाइजेशन की ओर ले जाती है। ये कहानी है शिव के शिवम अनुभव की। कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों पर, जहाँ वातावरण निर्मल और शांत है, वहाँ एक दिन भगवान शिव ध्यान में थे। उनके चारों ओर सिर्फ बर्फ की चादर और हिमालय की प्राचीन शांति थी। वहाँ पर न कोई पुण्य था, न पाप, न सुख, न दुख। एक दिन जब शिव अपने अनंत ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने अनुभव किया कि उनके भीतर और बाहर की सभी चीजें एक ही सत्य के विभिन्न रूप हैं। उन्होंने महसूस किया कि वे स्वयं ब्रह्मांड के तत्व हैं। उस क्षण उन्होंने गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त की और एक मंत्र का जन्म हुआ, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। इस मंत्र का अर्थ था, मैं ही शिव हूँ, मैं ही वे ना खत्म होने वाली समझ हूँ। ये दर्शाता है कि हम सभी के भीतर एक दिव्य स्पर्श है। इस श्लोक के माध्यम से शिव हमें बताते हैं कि ना हम पाप हैं, ना पुण्य हैं, ना सुख हैं, और ना ही भोजन हैं, ना ही भोजन खाने वाला हैं। हम वे चीज हैं जो सब कुछ के परे हैं। इस कहानी का मूल संदेश हमें ये सिखाता है कि हमारी असली पहचान इस जिस्मानी दुनिया से परे है। हमें अपनी सच्ची शक्ति और प्रकृति को पहचानने के लिए अपने भीतर गहराई में जागना होगा। ये शिव का वे उपहार है जो हमें याद दिलाता है कि हमारा सच्चा स्वरूप अनंत और अविनाशी है। आधुनिक समय में जब हम अपने आप को अनेक प्रकार के बंधनों में पाते हैं, चाहे वे सामाजिक हो, आर्थिक हो या भावनात्मक हो, शिवोम का ये संदेश हमें ये याद दिलाता है कि हमारी वास्तविक शक्ति इन सबसे परे है। ये हमें उस सेल्फ पावर को पहचानने की प्रेरणा देता है जो हमें सभी बाधाओं से पार पाने की क्षमता प्रदान करती है। इसलिए आइए हम शिवम के इस अनमोल संदेश को अपने जीवन में उतारें और अपने भीतर की आत्मा को पहचानें। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, शिव जी के अनेक नाम हैं, उनमें से एक नाम है नीलकंठ। लेकिन सवाल ये है, उनका ये नाम नीलकंठ पड़ा कैसे? दोस्तों, शिव जी का नीलकंठ बनने का सफर एक ऐसी कहानी है जो हमें 21वीं सदी में भी जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। शिव जी के नीलकंठ बनने की कथा जो ना केवल हमारी संस्कृति में गहराई से भरी है, बल्कि ये हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा भी देती है। जब समुद्र मंथन से हलाल विष प्रकट हुआ तो इसकी ताकत से तीनों लोक संकट में पड़ गए। इस कठिन समय में शिव जी ने आगे आकर ऐसा असाधारण कदम उठाया जिसको उठाने की हिम्मत ना किसी देव में थी और ना ही किसी असुर में। उन्होंने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और इसे नीचे नहीं उतारा, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। इस अद्भुत काम ने ना केवल इस दुनिया और स्वर्ग को विनाश से बचाया, बल्कि उनको नीलकंठ के एक नाम से भी नवाजा। 21वीं सदी में जीवन अनेक चुनौतियों से भरा है। पर्यावरणीय संकट, सामाजिक समस्याओं और पर्सनल संघर्ष, ये सभी हमें अक्सर हलाहल की तरह लग सकते हैं। शिव जी का ये कारनामा हमें ये भी बताता है कि हमारे कार्यों का प्रभाव केवल हमारे जीवन तक ही सीमित नहीं होता। जब हम किसी चुनौती का सामना साहस के साथ करते हैं तो हम न केवल अपने आप को बल्कि अपने समाज और विश्व को भी विनाश से विकास की ओर ले जाते हैं।
शिव जी की शक्तियों की कहानी हम केवल कहानियों से नहीं बल्कि अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। गंगा जो कि भारतीय संस्कृति में ना सिर्फ एक नदी मानी जाती है बल्कि जीवन, पवित्रता और उपज करने का एक प्रतीक भी है। गंगा के बहने की कथा बहुत रोमांचित और महत्वपूर्ण है। ये कथा हमें रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के साथ साथ शिव पुराण से भी मिलती है। राजा भगीरथ की तपस्या के बाद गंगा माँ ने पृथ्वी पर आने का निश्चय किया, लेकिन उनकी शक्ति को संभाल पाना किसी के बस की बात ना थी सिवाय भगवान शिव के। जब गंगा स्वर्ग से धरती की ओर बही तो शिव जी ने अपनी जटाओं में उन्हें समेट लिया, जिससे उनका प्रवाह सुरक्षित रूप से हो सके। इस प्रवाह ने धरती को नया जीवन प्रदान किया, जिसका फायदा हम आज तक उठा रहे हैं। शिव जी के इस कारनामे से हमें सीखने को मिलता है कि सच्ची शक्ति सिर्फ विनाश में नहीं बल्कि जीवन को संवारने और संरक्षित करने में भी है। आज के इस जमाने में इस कथा की सबसे बड़ी सीख ये है कि हमें भी अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। जिस तरह शिव जी ने गंगा के प्रवाह को नियंत्रित किया, हमें भी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को समझदारी से संभालना चाहिए ताकि हम एक सुखद और एक संतुलित जीवन जी सके। गंगा जी के इस प्रवाह ने न केवल पृथ्वी को उपजाऊ बनाया बल्कि अनेक जीवन रूपों को जन्म दिया। इस कथा के माध्यम से शिव जी की वे अद्भुत शक्ति प्रकट होती है और हमें बताती है कि शिव जी बस विनाश के नहीं बल्कि पालनहार के भी देव हैं। तो दोस्तों, शिव जी की ये दिव्य कथाएं उनकी ताकत और साहस की एक झलक थी जो हमें ना केवल उनकी महानता से परिचित कराती है बल्कि जीवन के सच्चे अर्थ को समझने की दिशा में मार्गदर्शन भी करती है। चाहे वे हल हल को पीकर ब्रह्मांड की रक्षा करना हो, गंगा को धरती पर लाना हो, शिव जी की हर लीला हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। इन गाथाओं के माध्यम से शिव जी हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली हर चुनौती, हर कठिनाई एक अवसर है अपने आप को बेहतर बनाने का, अपने आध्यात्मिक ज्ञान को गहराई देने का। उनकी लीलाएं हमें ये सिखाती है कि साहस, त्याग और प्रेम ही वो मूल्य हैं जो हमें इस संसार की माया से परे ले जाते हैं। तो आइए इस वीडियो के अंत में हम शिव जी की उन दिव्य कथाओं से प्रेरणा लें और अपने जीवन को उनके आदर्शों के अनुरूप ढालने का संकल्प लें। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर इस टाइप की आप वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए फ्री है लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मिलते हैं अगली वीडियो में।